अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आशमाज किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेले की रेसिपी। करेले को हम जानते हैं किस नाम से कि मतलब करेले के नाम से हमें कड़वापन याद आ जाता है, बट आज हम आपको करेले इस तरह बनाना बताएंगे कि आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि ये करेले की सब्ज़ी है या किसी और की, क्योंकि उसमें कड़वापन बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। और आप भी अगर इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बड़े शौक से करेले की सब्ज़ी खा पाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हुए हैं 1/2 kg करेले। तो ये करेले हमने ले लिए हैं, हम इनको यहाँ पर पहले पील कर लेंगे। तो नाइफ़ की हेल्प से आप इसे पील करिएगा, आप इसको पीलर की हेल्प से पील नहीं करिएगा, नाइफ़ की हेल्प से पील करके फिर हम इसे बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। और जब ये कट हो जाएगा तो इनके जो बीजे होते हैं वो हम इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर बीजे इसमें हार्ड हैं तो हम इसको निकाल कर हटा देंगे बीजों को। इसी तरह से हमें सारे करेलों के बीजों को हटा देना है। तो ये देखिए, हमने सारे बीजे इसमें से हटा दिए हैं और ये खाली हो गया है। तो इसी तरह से देखिए, हमने कर लिए हैं। अब इन्हें हमें कट करना है, तो कट देख लीजिए कैसे करना है। हमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर लेने हैं। तो सारे करेलों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे, ईज़िली कट हो जाएंगे। देखिए, ये हो गए सारे करेले कट। अब हम इसमें 2 चम्मच यहाँ पर नमक डाल रहे हैं और 1 चम्मच भर के इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं और इसे मिला देंगे। और इसको लगाने के बाद हमें इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये करेले का पानी छूटेगा, इससे कड़वाहट कम हो जाती है करेलों की। और ढककर इसे रख दें। और जब 1 घंटा हो चुका है तो अब हम इसको इस तरह से हाथ में लेकर टाइटली इसके जो पानी निकलेगा इसको निकाल देंगे, तो इससे हमारी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। देख रहे हैं ना आप कितनी मेहनत लग रही है इसकी कड़वाहट निकालने में। तो इतनी मेहनत तो हमें अगर कड़वाहट निकालनी है करेलों की तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, इसका हमने जो पानी था उसको निकाल कर इसकी कड़वाहट को हमने निकाल दिया है। तो इसी तरह से पूरे करेलों को आप हाथ में ले लेकर अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी सारी कड़वाहट को हम निकाल देंगे। तो ये लीजिए, ये आ गए करेले हमारे निचोड़ने के बाद प्लेट में। और ये देखिए, ये पानी इसमें से निकला है, ये हमने निकाल दिया है। इसको वापस से ट्रांसफ़र किया हमने कटोरे में या एक बड़े बोल में और इसमें हमने डाल दिया फिर से साफ़ पानी। और अब हम यहाँ पर इसकी भी इसको धोकर फिर से इसको निचोड़ेंगे। ये प्रोसेस हम 3 से 4 बार जब कर लेंगे तो करेले की करवाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी और हमें पता भी नहीं चलने वाला कि हमने किसकी सब्ज़ी खाई। और हमें ये करेले इतने पसंद आएंगे कि हम बार बार डिमांड करेंगे कि ये करेले की सब्ज़ी फिर से बन जाए। तो बढ़िया है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करेला फ़ायदेमंद भी होता है। तो लेकिन इसकी करवाहट की वजह से काफ़ी लोग इससे दूर भागते हैं इसे खाने के लिए। तो इसलिए अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो उसको सब बड़े चाव से खाएंगे और करेला आपका सफ़ा चट हो जाएगा फटाफट और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने फिर से इसमें पानी डाल लिया है। हम आपको पूरा प्रोसीजर अच्छी तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि करेलों को किस तरह से धोना है। मेन इसमें यहीं पर है। तो यहाँ पर सारी करवाहट हम निकाल कर करेलों को बनाते हैं तो करेले बहुत स्वादिष्ट और कड़वे भी नहीं बनते हैं। 3-4 बार हमने इसको साफ़ पानी डालकर इस तरह से निकाल लेना है। और अब हमें फाइनली क्या करना है, उबले पानी में इनको डाल देना है और इनको बस 4-5 मिनट के लिए इसको बॉयल आने देना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। और यहाँ पर इसमें नमक डाल देंगे हम थोड़ी सी। और बस इसमें बॉयल आने के बाद 3-4 खोले आ जाएं तो आप इसे निकाल लें स्ट्रेनर की हेल्प से। और यहाँ स्ट्रेनर में देखिए आ गया है। तो जो बची कुची कड़वाहट होगी वो इस प्रोसीजर से पूरी तरह से
निकल जाएगी। और यहाँ पर हम इसे ठंडे पानी से इसलिए धो रहे हैं कि उन्हें हम वापस से निचोड़ सकें, क्योंकि ये गर्म है। तो यहाँ हमने ठंडे पानी से धो लिया है इसको और हम इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। अब हमें कढ़ाई में डाल दिया है तेल सरसों का, इसमें सौंफ और कलौंजी डाल के हमने प्याज ली है, ढेर सारी प्याज इसमें लगती है, तो 6 मीडियम साइज़ की प्याज थी, हमने जिसे कट करके इसको फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसमें डाल दिए हैं करेले, करेलों को हमने निचोड़ के रख लिया था। अब करेलों के साथ हमें इसे फ्राई करना है ताकि मीठा जो पन होता है प्याज का वो करेले में आ जाए और करेले की कड़वाहट प्याज एब्जॉर्ब कर ले। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको कढ़ाई से निकाल कर स्ट्रेनर की हेल्प से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमने स्ट्रेनर में इसको निकाल लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका निकाल दिया है। और अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे। और अब इसमें हमने डाल दिया है प्याज का पेस्ट। सबसे पहले बचे हुए तेल में हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और प्याज का पेस्ट भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के इसको भून देंगे। प्याज का पेस्ट हमने 3 चम्मच लिया था, अब हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी डाल दी है। और मसाले को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। और यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच सौंफ का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद देखिए मसाला भुनते भुनते ऑयल सेपरेट होने लगा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर पानी डाल देंगे हम। पानी डालने के बाद इसको फिर से भून लेंगे। और यहाँ पे हमने ली हुई है थोड़ी सी मलाई 1 चम्मच और 1 चम्मच हमने इसमें दही मिला के अच्छी तरह से फेंट लेना है। बोल में हमने ले लिया है। और अब यहाँ पर हमने डाल दिए हैं करेले मसाले में। करेलों के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लें और इसको ढक कर पका लें। तो वैसे तो ये देखिए हमने उबाल भी लिए थे तो गल गए थे, नमक में हमने इन्हें मैरिनेट भी किया था तो उससे भी हल्का गल जाते हैं ये। और यहाँ पे जो हमने दही और मलाई निकाली हुई थी जो मिक्स कर ली थी वो हम इसमें डाल देंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर इन केस कड़वाहट रही होगी तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। वैसे तो कड़वाहट का सवाल ही नहीं उठता है, जिस तरह से हमने आपको करेले बनाना बताए हैं आपको कभी भी करेले कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम तो इसी तरह से बनाते हैं और हर बार इनका मज़ा उठाते हैं वो भी बिना कड़वाहट के। तो अब ये बन चुके हैं तो अब यहाँ पर हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में बहुत मज़ा आता है। पूरी, पराठे, रोटी, जिससे मन चाहे आप खा सकते हैं और इवन आप इन्हें चावलों से भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए करेले की इतनी डिलीशियस रेसिपी, मैं जब इस तरीके से बनाती हूँ तो ये फेवरेट है मेरे घर में सभी के, इस तरह से करेले। तो आप भी बनाइए और सबके फेवरेट बना दीजिए करेलों को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप सभी लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो सब्ज़ी है ये बिल्कुल बनकर तैयार है। यहाँ पर लास्ट में हम इसमें धनिया डाल देंगे, ग्रीन कोरिएंडर, क्योंकि गार्निशिंग से तो हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको गार्निश कर लिया है, फाइनल टच दे दिया है। तो ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगने लगी है। तब दिखने में अच्छी लगती है तो खाने का और भी ज़्यादा मन करने लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।